देखो ये नारियल सोया है, क्या कर रहा है? सोया है, यानी इसकी शक्ति को हमने सुला के रखा है। क्या किया? सुला के रखा है भगवान। अभी देखो नीचे कहीं भी पानी होगा, वो पानी को ये खींचेगा तो ये खड़ा हो जाएगा उस फ्रिक्शन से, फ्रिक्शन यानी उस तनाव से। अभी देखो अपने आप ये हिल रहा ना, का कारण यहाँ पानी है, देखा ना? ये जहाँ खड़ा हूँ पानी के ऊपर ही बैठा हूँ, और रास्ते में जहाँ जहाँ देखो जहाँ पानी होगा वहाँ खुद ही खड़ा होगा, जहाँ पानी नहीं होगा वो खड़ा नहीं होगा, क्योंकि वो पानी के तत्व को खींच के अपने में भर रहा है। और जो वाटर डिटेक्टर है वो कहते हैं कि इधर पानी है, ये पानी बताने की क्रिया नहीं है, एक्चुअली ये वो पानी की ऊर्जा को अपने में भर रहा है, लेकिन इससे मालूम भी पड़ जाता है यहाँ पानी है। क्या हो जाता है? पानी है। देखो जय हो, जय हो, जय हो गुरुदेव का। वापस वो आगे जाते ही रुड़ जाएगा, मैं जहां बैठा हूं वहां पानी है। क्या है? पानी है। देखो जय गुरुदेव, दिख रहा है यहाँ पानी है, आगे जहां पानी होगा वहां खड़ेगा ये। जय जय गुरुदेव। इधर ये लाइनें चल रही है पानी की, क्या चल रही है? लाइनें चल रही है, एक लंबी लाइन चल रही है, स्ट्रीम, बड़े बड़े स्ट्रीम है, वो स्ट्रीम जहां हो। अभी देखो बहनों का जप अपने आप गायब हुआ, जप तो देखो इधर पानी है, लाइन से स्ट्रीम चल रही है। जय गुरुदेव, इधर पानी है। तो मंदिरों में नारियल जो चढ़ाते हैं इसको हल्के में मत लेना, उस मंदिर में जो भी देवता की शक्ति होगी ये नारियल बहुत सरलता से उसको अपने घर लेके आ जाता है। 40 रुपए का नारियल 40,000 करोड़ का काम करता है जो आप नहीं कर सकते हो, इसलिए घर घर में नारियल होना चाहिए। बहनों के जब तब सब गायब हो रहे हैं, जब तो चल रहा है लेकिन कान और आंख दूसरी जगह जा रहे हैं बहनों। देखो यहाँ पानी है, जय हो, जय गुरुदेव, दिख रहा है जी भगवान। हाँ, इसको अभ्यास करोगे तो आपको भी आएगा। जय हो। अभ्यास करोगे, ये शक्ति हमारे शरीर से काम कर रही है। देखो कोई भी प्राण बिना शरीर का काम करेगा क्या? नहीं भगवान। तो नारियल खुद पड़े पड़े कैसे काम करेगा भाई? इसको काम कराने वाला चाहिए ना एक व्यक्ति, तब जाके ये काम करेगा। जय गुरुदेव। कितनी जगह पानी है, इसलिए कृष्णगिरी में ताकत बहुत है कि पूरा जमीन नीचे पानी से भरा हुआ है। तो देखो देवता तो कमलासन पर ही बैठते हैं, पद्मावती किस पर बैठती है? कमलासन। और कमल किधर होगा? पानी होगा। तो यहाँ पूरा पानी पानी होने से पद्मावती को यहाँ आसन लगा के बैठने में बहुत आराम हो रहा है। देखा, देखो वो जगह छोड़े, वो खुद ही सो जाएगा, जगह आए खुद ही खड़ा हो जाएगा, खुद ही सो जाएगा। तू करके देख बेटा, ले आ, आओ तू खड़ा तो आ, आओ आइए भैया, हाथ से मत हिला देना। हाँ, सनातन धर्म का मजाक नहीं होना चाहिए। देखो है ना, वो उसी जगह होगा, दूसरी जगह होगा नहीं, नहीं हो रहा होगा, जहाँ पहले थे वही हुआ है, उसी जगहों में होगा जहाँ है। ये देखो इतनी जगह पानी है बहनों, अपने घर में कभी भी पानी चेक करना हो, इसमें कितने फुट नीचे पानी है वो कैसे मालूम पड़ेगा भाई इससे? हाँ बताइए। देखो यहाँ जो पानी है ये 650 फुट में है, यहाँ पानी, यहाँ जो पानी है 700 फुट में है, यहाँ जो पानी है 600 फुट में है, 600, 650, 700 फुट। और कैसे बोलते हैं? क्योंकि जब ये नारियल खड़ता है मुझे वो पानी नीचे दिखता है, मुझे वो दिख जाता है। जय गुरुदेव। आपको नहीं दिखता है, अभी तू करके देख क्या होता है, चल ट्राई कर, कोई बात नहीं।
जय हो, जय जय गुरुदेव, जय हो भगवान की। देखो नारियल में इतनी शक्ति है, जहां जहां पानी है वहां खड़ता है, हाँ है क्या नहीं? एक्चुअली क्या हुआ आपको बता दूं, मैंने उसको शक्ति डाल दी। जय गुरुदेव, जयकारा गुरुदेव का हो रहा है ना। वो कोई भी हो, उन जगह में पानी जा रहा। नारियल की शक्ति को कम मत मानना। और सनातन धर्म जैसे वैज्ञानिक धर्म दुनिया में ही नहीं, आज साइंस आया है, मेटल डिटेक्टर आया है, तत्वों को एनर्जी को मेशर करने के मेशर मीटर आए हैं, लेकिन युगों से हम मंदिरों में नारियल चढ़ा रहे हैं, किसी को पता नहीं चलता है कि ये नारियल मंदिर के देवता की शक्ति लेके अपने घर में आ रहा है, किसी को ये पता तक नहीं चलता। देखा, ये है उस नारियल की शक्ति। गुरु जी जिस पर मेहरबान होंगे वो भी होंगे गुरु। पंगुम लंगयंती गिरी संत, जिसको लंगड़े को आशीर्वाद दे दिया वो पार चढ़ने लग जाएगा वो लंगड़ा। देखा ना, हाँ लाओ अभी बस है। मजा आ रहा है तो देखे। मजा तो इसका खोपरे का हलवा खा के आना, इसको देख के क्या आ रहा है। ये तो इसकी शक्ति दिखाने की आज मेरी इच्छा हुई कि लोग जो नास्तिक लोग जो मजार में जब मस्जिद में मजार में चादर चढ़ाते हैं, जब इनको कोई तकलीफ नहीं है, मंदिर में शिवलिंग पर दूध चढ़ा दो तुरंत इन लोगों को तकलीफ आएगा। इन लोगों को मूर्खों को मालूम नहीं है कि दूध में गाय की सूर्य नाड़ी से निकलने वाली ऊर्जा जब शिवलिंग पर जाकर के घर्षित होती है तो दूध का घर्षण शिवलिंग से जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन की एनर्जी निकलती है शरीर को इतना मजबूत कर सकता है कि एकदम आलसी आदमी भी परिश्रमी हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि शिव भक्ति समृद्धि देती है, क्योंकि वो अपने को मेहनत करने की ताकत दे देती है। क्या दे देती है? मेहनत करने की ताकत। हाँ, तो ये कोई चीज खाली आप जो बोलो उसका मैं साइंटिफिक प्रूफ बता सकता हूँ, क्योंकि हम कोरे ऐसे कागज पढ़ने वाले नहीं है। हम तो सोचते हैं कि आज के युवाओं को कन्विंस करना हो तो आपके पास उसका पूरा कोई ना कोई आधार चाहिए, जिसको बता के आप कन्विंस कर सकते हो कि ये चीज है भाई, इससे ये होता है। समझ आ? देखो बच्चा भी कितनी सरलता से सब कर चुका। हाँ, अभी ये जितने लोग घर जाते ही पहले नारियल ले लेके घूमेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं, सब चेक करेंगे। अच्छा है, चेक करो। जिनको काम धंधा नहीं है पानी दिखाने के काम में, एक जगह पानी दिखाओ 2000 रुपया कम से कम मिलता है। ये कोई कम काम नहीं है, कहीं भी पानी दिखाओ। लेकिन अगर दिखा दिए ना उधर पानी नहीं आया, तुम्हारा पानी निकाल देगा वो ध्यान रख के निकाल। हाँ, वो पूरा ध्यान रखना, तुम लोगों का पानी काटेगा वो फिर, क्योंकि एक बोर डालने में कम से कम 40,000, 30,000, 50,000 खर्च हो जाए, फिर उधर पानी नहीं आया तेरे घर पर ही आएगा वो आदमी सीधा। इसलिए इसमें अभ्यास पूरा पक्का चाहिए, इसको बताने का अभ्यास। मैंने बोला ना यहाँ 600 में 650 फुट में एक फुट भी आगे पीछे नहीं आ सकता पानी, क्योंकि हमको धन घड़ा हुआ घड़ा पानी जमीन में रहा हुआ हीरा पन्ना कचरा। हाँ, एग्मोर में गजराज जी बहुत बड़े सेठ हुए। एग्मोर चेन्नई में रहते थे, परिवार बहुत कष्ट में रहता था, तो मेरे पास भवरी बाई, वो माता जी अभी तो उनका देहांत हो गया ये 10-15 साल पहले, मेरी बड़ी भगत थी। जो गहना पहना होता मुझे देखते ही जितनी बार आई उतनी बार गहना खोल के मेरे को पहनाती थी कि महाराज ये आप पहनो, आपके साथ होना चाहिए ऐसे। उस समय मैं बहुत गहना पहनता था, क्योंकि जब मुझे संन्यास दीक्षा नहीं हुई थी मैं साधक था, तो जब बहुत गहने पहनते थे। उस माता जी को मैंने कहा कि आपके घर के सामने बहुत बड़ा गड़ा हुआ है, पेरनामपेट में कांकरिया जी अनिल जी रहते हैं, हमारे बड़े भक्त हैं, उनके घर के सामने मैंने कहा कपड़े में किसी ने भस्म काजल को मंत्रित करके गाड़ दिया तेरे घर के सामने, इसलिए तू बहुत दुखी है। फिर जब खोदा
तो वो काजल से भरा हुआ कपड़े का पोटला मिला उनके, क्योंकि वो सब हमको ऐसे ही दिखता है, उसके लिए कोई हमको विशेष मंत्र या कुछ करके, कई लोग तो पान में काजल लगा के फिर देखते हैं कि भाई काजल लगाया, फिर देखते हैं फिर दिखता है कि यहाँ है, मेरे को खुले आँख ऐसे ही दिखता है। जय गुरुदेव। कोई देखना नहीं पड़ता।